केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर इसे और आगे खींचने की कोशिश होगी। अगर आंदोलन और आगे खींचता है तो सरकार के लिए ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में चल रहे किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है। बस संसद से इस पर मुहर की औपचारिकता बाकी है। औपचारिकता इसलिए क्योंकि सरकार अब राजी हो गई और विपक्ष की भी यही मांग थी, तो संसद में कानून वापस लेने पर सर्वसम्मति है। इसके बाद भी किसान संगठनों ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान नहीं किया है। आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे राकेश टिकैत ने आंदोलन को और भी आगे जारी रखने का संकेत साफ दे दिया है, क्योंकि राकेश टिकैत के बयान पर गौर करें तो कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद टिकैत ने कहा कि आंदोलन तुरंत वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा, सरकार MSP के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। ये बात छोड़कर टिकैत ने किसान आंदोलन को कृषि की वापसी के बाद भी जारी रखने का संकेत दिया है। तो वहीं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि जब तक सरकार को सत्ता का अहंकार रहेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसका मतलब साफ है कि अभी किसान आंदोलन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। बेशक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करने के ऐलान को मास्टर स्ट्रोक मान रही हो, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को अभी किसान इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने अपने बयानों से कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसी न किसी बहाने से आंदोलन जारी रखने की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। इसके लिए मुद्दा MSP को भी बनाया जा सकता है। लखीमपुर खीरी कांड से चर्चा में आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेने की बर्खास्तगी की मांग भी इसका जरिया बन सकती है। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई, उनके लिए मुआवजा भी मुद्दा बन सकता है। आंदोलन के बीच हुए उपद्रव के दौरान दर्ज हुए केसों की वापसी की मांग भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हवा दे सकती है। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का मुद्दा ऐसा है जिस पर न सिर्फ किसान आंदोलन को आगे खींचा जा सकता है बल्कि इससे जुड़ी जन सहानुभूति को भी बरकरार रखा जा सकता है। ये बात सरकार भी अच्छे से जानती है। अभी तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में MSP को और अधिक कारगर बनाने के लिए एक कमेटी के गठन का भी ऐलान किया है। कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तो होंगे ही, साथ ही किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। MSP को लेकर बनने वाली कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स को प्रतिनिधित्व देने की बात करके सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि किसान हितों के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में अगर अब MSP या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन को आगे खींचने की कोशिश करती है तो सरकार के लिए चिंता जैसी कोई बात नहीं होगी। इसकी वजह ये भी है कि अगर अब भी किसान आंदोलन जारी रहता है तो ये आंदोलन जनता की सहानुभूति खो देगा। सरकार जनता तक ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि इस पर राजनीति हो रही है, इसके पीछे किसानों के हित नहीं बल्कि कुछ नेताओं की जिद और निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।